इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल द एजुकेटर्स असलामैकम डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन आवर सब्जेक्ट इज़ कम्प्यूटर साइंस ऑफ क्लास थ्री एंड चैप्टर नंबर इज सिक्स टॉपिक नेम लोगो कम्प्यूटर लैंग्वेज स्टूडेंट्स अपने कंप्यूटर uh, साइंस की बुक पेज नंबर सिक्सटी ओपन कीजिए टॉपिक गिवन है हमें फॉलो दीज कमांड्स टू ड्रा अ स्टार एक स्टेरिक शेप को ड्रा करने के लिए हमने ये गिवन कमांड्स uh, जो हैं इनको फॉलो करना है फॉर स्टेरिक शेप स्टूडेंट्स जब आप एम एस डब्ल्यू लोगो स्क्रीन को ओपन करते हैं तो उसमें आपने ये शेप ड्रा करनी है ठीक है इस शेप को ड्रा करने के लिए हमें कमांड्स गिवन है जिनको हमने फॉलो करना है यहाँ पे हमें ए से लेकर जे तक ठीक है जितनी भी कमांड्स गिवन है उसमें सेम डायरेक्शन के अंदर जो है वो लोगो मूव करेगा ठीक है स्टूडेंट्स uh, यहाँ पे फर्स्ट वन है क्लियर स्क्रीन एंड शो टर्टल ठीक है सी एस क्लियर स्क्रीन को शो करता है एंड एस टी टर्टल ये आपके टर्टल को शो करेगा नेक्स्ट बी से ऑनवर्ड हमारे पास है एफ डी मीनस के फारवर्ड आपने वन हंड्रेड करना है एंड राइट टर्न आपकी वन थर्टी फाइव होनी चाहिए नेक्स्ट सी में भी सेम चीज़ है कि आपने फारवर्ड वन हंड्रेड मूव करना है एंड राइट टर्न जो आपने लेनी है वो वन थर्टी फाइव की होनी चाहिए आपने कोई भी जब हम शेप ड्रा करते हैं तो हम उसको कमांड्स के थ्रू ड्रा करते हैं टर्टल लैंग्वेज के अंदर तो स्टूडेंट्स टर्टल लैंग्वेज को फॉलो करते हुए हम ये कमांड्स जितनी भी हमें गिवन है इनको हम यूटिलाइज करेंगे स्टेरिक शेप को करने के लिए नेक्स्ट uh, वन है हमारे पास रिपीट कमांड वाइल्ड वर्किंग विद लोगो जब हम लोगों के साथ वर्किंग करते हैं वी ऑब्जर्व दैट समथिंग कुड बी डन क्विकर इफ दे आर रिपीटेड कुछ चीजें जो हैं वो बहुत जल्दी परफॉर्म हो जाती हैं ठीक है थीके? तो उसका मकसद ये है कि वो चीज़ आपके पास रिपीट हो रही होती है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी होती है दिस ट्रू फॉर एनी पैटर्न इन विच वूज़ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ये हमारे लिए जो है एक्सेप्टेबल तब होती है एग्जैक्ट चीज़ हमारे पास ये तब होती है फॉर एनी पैटर्न किसी भी पैटर्न के लिए जब हम जो है एक सीक्वेंस uh, लेते हैं ठीक है ठीके? किसी भी इंस्ट्रक्शंस को एक सीक्वेंस के वे में हम परफॉर्म करते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉरवर्ड वन हंड्रेड एंड लेफ्ट टन नाइन्टी है for example, नेक्स्ट वन फिर हमारे पास है फॉरवर्ड 100 और लेफ़्ट टर्न में भी 90 है सेम हमारे पास जो है वो चीज़ शो हो रही है अब जब एक के बाद नेक्स्ट कमांड रिपीट होगी तो इट मींस के वो जल्दी आपको वर्किंग परफॉर्म करेगी ठीक है नेक्स्ट है हेयर वी आर टाइपिंग एफ डी एंड एल टी कमांड इन पेयर्स यहाँ पे हम टाइपिंग करते हैं फॉरवर्ड और लेफ्ट टर्न के लिए पेयर्स के अंदर एंड रिपीटिंग दैम फोर टाइम्स फोर टाइम वो रिपीट uh, हो रही हैं फॉर एग्जाम्पल ये जिस तरह से आपको कमांड्स गिवन है ना तो ये रिपीट हुई हैं फोर टाइम टू गेट अ स्केयर एक स्केयर को घट करने के लिए हम इन कमांड को रिपीट कर रहे हैं वी कैन डू दिस इन अ सिंपलर वे बायजिंग द रिपीट कमांड हम रिपीट कमांड uh, को यूज़ करते हुए ये परफॉर्म कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर आपको शेप गिवन है रिपीट फोर फारवर्ड वन हंड्रेड एंड लेफ़्ट टर्न नाइन्टी अगर आप टर्टल को यूज़ करते हैं तो इसमें जो हमारे पास शेप ड्रा होगी वो रिपीट में हमारे पास फारवर्ड वन हंड्रेड की फॉर्म में होगी और लेफ्ट टर्न उसकी वन नाइन्टी डिग्री पे होगी यहाँ पे आपको शेप गिवन है नेक्स्ट uh, वन है अ रिपीट कमांड रिपीट अ गिवन कमांड फॉर द नंबर ऑफ टाइम मेन्शन इन इट रपीट कमांड जो है वो रिपीट कर सकती है कमांड को नंबर ऑफ टाइम जो कि मैंशन होते हैं कमांड में फॉर एग्जाम्पल टू ड्रा अ ट्राई एंगल यूजिंग द रिपीट कमांड ट्राई एंगल को ड्रा करने के लिए हम रिपीट कमांड यूज करते हैं वी टाइप रिपीट थ्री फारवर्ड वन हंड्रेड एंड राइट टर्न वन टवेंटी ठीक है अब रिपीट के अंदर हमारे पास वैल्यू थ्री आ चुकी है लास्ट टाइम हमारे पास वैल्यू जो है वो फोर थी और उसकी शेप भी डिफरेंट थी ठीक है यहाँ पर जब हमने राइट right टर्न लिया है तो हमारी वैल्यू जो है लास्ट टाइम में जब राइट right टर्न हमने लिया तो इसमें हमारे पास वैल्यू जो थी वो नाइन्टी गिवन थी ठीक है तो हमारी शेप टोटली चेंज थी अब नेक्स्ट में हमने जब 120 का राइट right टर्न लिया है तो हमारी शेप चेंज हो चुकी है एग्ज़िट लोगो वी कैन क्लोज एम एस डब्ल्यू लोगो बाई टाइपिंग बाय इन द कमांड विंडो इनपुट बॉक्स हम एम एस डब्ल्यू लोगो को क्लोज करेंगे बाय टाइप करने के बाद वी कैन ऑल्सो एग्जिट फ्रॉम लोगो बाई क्लिकिंग ऑन द फाइल मेन्यू एंड सेलेक्टिंग एग्ज़िट हम एग्ज़िट कर सकते हैं लोगों से हम क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू में और वहाँ से हम एग्ज़िट को सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका जो विंटर पैक है उसमें टॉपिक है एडिटिंग इन एम एस पेंट आपने सेपरेट रजिस्टर लें और उस पर आपने अपने क्वेश्चन राइट करने हैं एडिटिंग इन एम एस पेंट के क्वेश्चन नंबर वन है राइट द नेम ऑफ सिलेक्शन टूल सिलेक्शन टूल्स के नेम करें फर्स्ट है सेलेक्ट टूल एंड सेकेंड है फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल क्वेश्चन नंबर टू है वाई वो यूज इमेज मेन्यू हम इमेज मेन्यू को क्यों यूज़ करते हैं यूजिंग दिस मैन्यू वी कैन डू मैनी इंटरेस्टिंग टास्क इंटरेस्टिंग टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्वेश्चन नंबर थ्री है वर्ड हज द कॉपी मीन कॉपी मीन क्या होता है कॉपिंग मीन्स मेकिंग अनदर कॉपी ऑफ द ओरिजिनल इमेज एट अ न्यू लोकेशन ठीक है आप ओरिजिनल डाटा uh, को कॉपी करते हो और न्यू लोकेशन पे पेस्ट करते हो दैट इज़ कॉल्ड कॉपी व्हाट डू यू मीन बाय कट एंड पेस्ट कट एंड पेस्ट हेल्प टू मूव आर्ट आर द कंप्लीट इमेज कट और पेस्ट हमारी हेल्प करता है मूव करने के लिए कंप्लीट इमेज को या फिर एक पार्ट को व्हाट इज़ अंडू कमांड अंडू कमांड क्या होती है अंडू कमांड रिमूव द लास्ट चेंज मेड टू द फाइल हमारी फाइल के अंदर जो लास्ट चेंज मौजूद होती है हम लास्ट चेंजिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारी फाइल रेडी होती है अंडू इस चीज़ को शो करता है नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आज की आपकी डायरी क्लास वर्क में आपने चैप्टर नंबर सिक्स लोगो अ कंप्यूटर लैंग्वेज यूनिट नंबर सिक्स है एंड बुक पेज नंबर सिक्सटी और सिक्सटी वन आपने इसकी रीडिंग करनी है अच्छे तरीके से ठीक है और इसके साथ हमारे पास आपको जो समर पै सॉरी विंटर पैक करवाया गया है आपने उसको अपने सेपरेट रजिस्टर पर राइट करना है ठीक है थैंक यू सो मच